राधे राधे दोस्तों, आज मैं हूँ नई रेसिपी के साथ और यहाँ मैं बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी के लिए जैसे कि आप जानते हो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। पाव भाजी में बटर यूज़ होता है ज़्यादातर, तो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है पाव उसमें बटर में, और यहाँ मैंने ज़ीरा राई यूज़ करा है। तो ये मैंने नए तरीके की पाव भाजी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा ज़ीरा राई चटक गए हैं और मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है। खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करे हैं क्योंकि बिना लहसुन प्याज की बनानी है मुझे। तो मैंने कड़ी पत्ता डाल के टमाटर डाल दिया है सबसे पहले, और यहाँ मैं इसका जितना हो सकेगा इसे जलाऊंगी इसका पानी। तो यहाँ मैंने स्टीम के लिए छोड़ दिया इसको फिर से। तो यहाँ मेरे टमाटर स्टीम हो चुके हैं और मैंने इसमें मटर डाले हैं। ये मैंने मटर बॉईल कर लिए थे पानी और नमक से, ताकि क्योंकि ये मेरी सफोला मटर है जिसमें थोड़ी स्मेल होती है। लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, जो व्रत में हम बच्चे भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है और यहाँ मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ इसका मेरे को प्यूरी पेस्ट बनाना है। ये आप देख सकते हो मेरा तेल झरझराने लगा है। यहाँ मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाँ, मैंने ऐड कर दिया है। आप यहाँ मैं इसको भी थोड़ा सा चलाऊंगी। तो यहाँ मैं नमक को भी इसमें मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको वेट दिया है। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी चीज़ घिस मतलब चीज़ को अब मैं इसमें डालूंगी। यहाँ मैंने इसको घिस के रख लिया था, अब मैं इसे इसमें डालूंगी पाव भाजी में। तो मैं नई तरीके की बना रही हूँ नॉर्मल वाली। यहाँ मैंने चीज़ को भी इसमें मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो चीज़ उसमें मेल्ट हो गई है पाव भाजी में। और यहाँ मैं इसको काफ़ी अच्छे से मेल्ट करके अब मैंने इसमें आलू ऐड करा है। अब मैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ज़्यादा ज़्यादा मेरी 15 मिनट से पहले तैयार हो चुकी है, काफ़ी जल्दी बन गई है। मैंने आलू और मटर वाली ही पाव भाजी बनाई है चीज़ डाल के, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने बहुत ही मतलब व्रत को देखकर ये बनाया है। काफ़ी लोग नवरात्रों में ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं, तो मैंने नवरात्रों के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आप देख सकते हो मेरी जो पाव भाजी का कलर है कितना अच्छा आया है। और अभी पकने के बाद दिखाऊँगी। यहाँ मेरे पाव का पैकेट मैं ले आई हूँ। ये मेरे पाव भाजी का पैकेट है, ये मुझे 45 रुपये का पड़ा है। ये आपके यहाँ जिस जो भी रेट का पड़ता हो आप देख लेना। यहाँ मेरी पाव भाजी का जो कलर है देख सकते हो आप कितना अच्छा आया है। इसमें लाल कलर इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा है, सिर्फ चीज़ और बटर से ही बना है ये। अब यहाँ मैं पाव का पैकेट खोल रही हूँ क्योंकि मुझे पाव तैयार करने हैं इसके। तो आप लोग भी नवरात्रों में बना के खा सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ नया हो तो नवरात्रों में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया है जो मेरा गर्म हो चुका है। स्टील का तवा मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मली जो रोटी वाला होता है। यहाँ मैंने बटर डालने के बाद उस पर लाल मिर्ची डाली है। यहाँ इसे पकाने के बाद मैंने पाव को काट लिया है बीच में से, थोड़ा सा धनिया डाला है। अब यहाँ मैं इसमें पाव रखूँगी जिसमें मुझे मसाला
पाव का सेट करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काफ़ी सरल वीडियो लाती हूँ जो इजी से इजी बन जाए। तो आप देख सकते हो मेरे पाव के कलर कितना अच्छा आया है। मैं इसको पीछे से भी इसको करारा कर रही हूँ ताकि खाने में और टेस्टी लगे। इसमें और बटर लगा रही हूँ, जब तक पाव में बटर नहीं लगेगा अच्छे से तो वो पाव भाजी नहीं कहलाती है। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, आगे पीछे से आप देख सकते हो। यह है मेरी नवरात्रि पाव भाजी स्पेशल बिना लहसुन प्याज वाली। यहाँ मेरी पाव भाजी तैयार, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी है, यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ आप देख सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में मैसेज ज़रूर डालना। बाय बाय दोस्तों।